मंगलवार को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जन जागृति दौड़ का आयोजन किया गया। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर से अंतर्राष्ट्रीय कोच अमानत खान के निर्देशन में संयोजक राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में कोरोना फाइटर डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर गोपाल मजावदिया, संतोष जाट, सीमा टांग, गोविंद काकानी, श्रद्धा शर्मा ने दौड़ प्रारंभ करवाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। समापन अवसर पर संबोधित करते हुए कहा, राकेश शर्मा एथलेटिक कॉरपोरेशन से ये जो दौड़ रखी है बच्चों के लिए, ये एक संकेतक है उन लोगों के लिए जो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, हाथ बराबर नहीं धोते, बच्चों ने टैग भी लगा रखा है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डेथ रेशो कितना बढ़ रहा है। अभी 24 घंटे में 550 से लगभग मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में। हम लोग जितना लापरवाह होते जा रहे हैं, हम फिक्र नहीं रख रहे हैं, इसलिए डेथ रेशो और स्प्रेडिंग बढ़ रहा है। पहले क्या था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय में लोग ज़्यादातर घर में रहते थे और सावधानियां रख रहे थे, पहले लोगों में डर था, अभी पूरी तरह से बेफिक्र हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि डरिए, मगर सावधान रहिए। तो ये रैली उसके लिए है और लोगों को जागृति अभियान में है कि हम लोगों को बाकायदा इस चीज़ का ध्यान रखना है। दौड़ लगाई गई है, इसके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? ये जो आज दौड़ की शुरुआत जन जागृति शहर में लाने के लिए ये दौड़ का जो आयोजन किया है, वाकई ये बच्चे दिखाना चाह रहे हैं इस शहर को कि हमें किस प्रकार कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग पूरी बना कर रखना है। इस प्रकार ये बच्चे इस शहर में एक जागृति पैदा करने के लिए पूरे शहर में आज दौड़ लगाने के लिए गए हैं और इसी के माध्यम से रतलाम शहर के नागरिकों को जागरूक करने का कार्य यह कर रहे हैं। इस मौके पर खिलाड़ी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और वो है मेरा बड़ा भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का अंतिम सप्ताह के रूप में उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि जहाँ हमारा मार्गदर्शन करें और इन बच्चों को बताएं कि कोरोना के लिए वो और क्या जागृति शहर में फैला सकते हैं जिससे कोरोना से ज़्यादा बचाव कर रतलाम शहर को बचाया जाए। एक और शब्द कहना चाहूँगा कि जितने भी कोरोना फाइटर्स हमारे बीच में हैं जिनको हमने आज अतिथि के रूप में पाया है, रतलाम शहर गौरवान्वित है इन्हीं हस्तियों के कारण। आज रतलाम कोरोना के उस संकट से बहुत कम मात्रा में ग्रसित हुआ है, अन्यथा बहुत लंबा कोरोना फैल सकता था। जोरदार तालियां हमारे कोरोना फाइटर और हमारे अतिथियों के लिए, सभी खिलाड़ी बजाय और डॉक्टर राजेश शर्मा जी। तीन सौ 45 साल पुराने प्राचीन जगदीश मंदिर जो शहर के थावरिया बाजार में स्थित है, इस मंदिर में मंगलवार को जयकारे गूंज उठे। यह मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का ही छोटा रूप है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की जयंती पर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिवर्ष की तरह शहर में रथ यात्रा नहीं निकाली। सुबह मंदिर में अभिषेक पूजन किया गया। पूजन के बाद समिति सदस्यों ने ढोल के साथ प्रतीकात्मक रथ यात्रा निकाली। रथ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की तस्वीर सवार कर भक्तों ने रस्सी से रथ को खींचा। मंदिर के आसपास भ्रमण कर यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर मंगल लोढ़ा, गोपाल शर्मा, मोहनलाल धबाई सहित समिति सदस्य एवं भक्त उपस्थित थे।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना जागरूकता अभियान मंगलवार से शुरू किया गया। अभियान 23 जून से 7 जुलाई तक दीनदयाल विचार मंच द्वारा अभियान के तहत शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मास्क का वितरण कर जागरूकता जानकारी दी जाएगी। अभियान की शुरुआत करते हुए चांदनी चौक क्षेत्र में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के आतिथ्य में श्रमिकों को मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता विष्णु त्रिपाठी, दिनेश पोरवाल सहित अन्य नेता उपस्थित थे। भाजपा नेता अशोक चौटाला ने बताया, पिछले 10 वर्षों से समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक और चिकित्सा शिक्षा अनेक क्षेत्रों के अंदर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता फैलाती है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जो सरकार ने निर्देश दिए कि जागरूकता के माध्यम से भी संक्रमण से बचाव के लिए जनता के बीच साहित्य बांटकर, मास्क बांटकर उन्हें प्रेरित करें, और उसी के तहत हमने आज ये जागरूकता अभियान के अंतर्गत राम शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करके लगभग 5,000 मास्क का वितरण करेंगे। साथ में बचाव के लिए जो साहित्य है, सरकार के जो दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करने के लिए जनता को हम प्रेरित करेंगे। और आज यहाँ श्रमिक क्षेत्र यहाँ पर खड़े रहते हैं, उसका और उसके साथ ही हम अलकापुरी और दो बत्ती का भी स्पॉट है, जहाँ पर हमारे श्रमिक भाई खड़े रहते हैं, वो उनको भी हम ये जागरूकता अभियान के माध्यम से मास्क और ये साहित्य देकर कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उन्हें जानकारी देंगे। आज के और यह पखवाड़ा, यह कार्यक्रम 23 आज से 7 जुलाई तक एक पखवाड़े के रूप में चलाया जाएगा। अपनी पार्टी के पितृ पुरुष पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे भाजपा नेताओं को रत्नपुरी कॉलोनी के रहवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर घेर लिया। रहवासियों की मांग थी कि पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा कॉलोनी के जिस बगीचे में स्थापित की गई उसको पूर्ण करें। पूर्व महापौर शैलिन डागा ने जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस मामले को लेकर भाजपाइयों और रत्नपुरी के रहवासियों के बीच नोकझोंक भी हुई। पर ये तो जागरूक नागरिक के लिए मूर्ति लगाने दीजिए, हम लोग 5 लाख रुपए सेंक्शन करके देंगे और आपको बगीचा बना के देंगे। हाउसिंग बोर्ड ने छोड़ रखा है, हाउसिंग बोर्ड ने पैसा लिया है। देखो मैडम, एक बात सुनना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मूर्ति जब ने पैसा लिया, अरे मूर्ति मूर्ति जब तो हमें काम करवाना है। आप हमारे सुनते कब है? लाइट लगवाएंगे लेकिन यह घटनाक्रम आज उस समय का है जब शहर के भाजपा नेता रत्नपुरी स्थित बगीचे में स्थापित पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करने पहुंचे थे। आज पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है जिसे भाजपा बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। भाजपा नेता जब माल्या अर्पण कर रहे थे तभी रत्नपुरी कॉलोनी के रहवासी पहुंचे। रहवासियों ने बगीचे के विकास के लिए भाजपा नेता पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा द्वारा की गई 5 लाख की राशि का आवंटन नहीं होने पर आक्रोश जताते हुए तीखी नोकझोंक की। इसके साथ ही रहवासियों ने कॉलोनी की पेयजल और सफाई व्यवस्था की समस्या को लेकर भी तीखे आरोप लगाए। आक्रोशित रहवासियों को पूर्व पार्षद सीमा टाक पप्पू पुरोहित ने चर्चा कर शांत कराया। सीमा टाक ने रहवासियों को कहा कि एक लिखित में आवेदन नगर निगम में दीजिए, फिर हम लोग प्रशासन से मिलकर आपकी समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी नहीं है, फिर भी हम छोटे बड़े काम आपके रिक्वेस्ट पे हम करेंगे। सुनो, आप लाइट लगाना लग जाएगी, लेकिन आपका जो इस समय एक मतलब अपन पुरुष के उसमें आए और आप ऐसा मतलब भैया से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारा काम होता है। आप तो लिखित में एक आवेदन किसी को दे दो, भैया को दे दो, मुझे दे दो, कोई भैया के वजह से ये लगा हमारा बहुत मजबूरी है। आप लिखित में दे दो ना, भैया से शिकायत नहीं है, काम तुरंत कर दे हमें। अस्थिपित टोर स्थित जीवांश हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। आक्रोशित परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर ने केवल भर्ती कर लिया किंतु कोई इलाज नहीं किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को शांत करवाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुँचाया। एमबी नगर निवासी एक महिला कांता पांड्या को बीपी बढ़ने के साथ साथ चक्कर आने पर परिजन कल शाम को अस्थिपित रोड स्थित जीवांश हॉस्पिटल ले गए थे।
वहां मौजूद चिकित्सक ने महिला को भर्ती कर लिया और परिजनों को कहा कि सीटी स्कैन होने के बाद ही इलाज शुरू होगा, जबकि महिला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आज सुबह उसकी मौत हो गई। महिला की मौत होने से परिजनों में आक्रोश बढ़ गया। परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। घटना की सूचना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को मिली। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत करते हुए लिखित में शिकायत देने को कहा। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मृत महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर जीवन चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक कांता पंडिया निवासी एमपी नगर रचना रखी है, बता रहे हैं कि उसके परिजन ने बताया कि कल शाम को बीपी हाई होने से थोड़े चक्कर का आए थे, बेहोश हो गई थी, उसके बाद में हॉस्पिटल लाए थे, एडमिट किया था रात को, उस वक्त भी डेथ हो गई करीब 7.5 साल। उनका आरोप है कि डॉक्टर साहब ने इलाज सही किया, उसकी विधिवत कार्रवाई की जा रही है, जैसी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जवाहर नगर में एक युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाश को पीएम के बाद परिजनों को सौंपा। घटना आज सुबह की है। जवाहर नगर निवासी गयास ने अपने घर में ही फांसी लगा ली। घटना की जानकारी परिजनों को सुबह मिली। फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पर पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंपी। युवक के द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस जाँच में जुटी हुई है।